बताता हूँ कि ये संवाद की प्रक्रिया अगर जिला स्तर के ऊपर और उपखंड स्तर के ऊपर भी अगर 2 या 3 दिन से अगर रहे तो मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक रहेगा। आप मुख्य बिंदुओं के ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो बात मेरे से पहले लालचंद जी कटारिया और राजेंद्र सिंह जी ने रखी है उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जयपुर जिले के अंदर सबसे ज्यादा किसान सब्जी की पैदावार करते हैं और जो सब्जी उनकी 30 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो बिकती थी आज हालात ये बन गए कि उनकी सब्जी 3 रुपए किलो से लेकर 7 रुपए किलो बिक रही है। न तो उनको उचित मूल्य सब्जी का मिल रहा और उनको ना ही ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी दिक्कत आ रही है, दूसरे स्टेट में जाने में भी दिक्कत आ रही है। तो उनके किसानों को सब्जी का उचित भाव मिल सके इसके बारे में हमारे को विचार करना चाहिए। एक दूसरा सुझाव मैं ये देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि जो चर्चा अभी निर्मल जी ने की थी उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जिला कलेक्टर ने बहुत बेहतरीन काम किया है, अच्छा काम किया है। रात को 11 बजे भी हम कलेक्टर साहब को फोन करते हैं तो उसकी प्रॉपर रिप्लाई देते हैं। हमारी फल सब्जी मंडी नहीं चल पा रही थी उसको भी चलाने का काम किया, हमारी अनाज मंडी नहीं चल पा रही थी उसको भी चलाने का उन्होंने काम किया। पुलिस ने बेहतरीन काम किया है, पुलिस ने के जो SHO है डिप्टी SP है उन्होंने बेहतरीन काम किया, उनसे हमारी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन हमारे उपखंड के अंदर जो अधिकारी लगे हुए हैं कोई भी किसी भी प्रकार का कोऑपरेशन उनका नहीं मिलता। अभी तक पिछले 40 दिन में एक बार भी बुला के हमारे से बातचीत नहीं की और अपनी हठधर्मिता के आदेश निकालते रहते हैं। आपस में अधिकारियों में भी तालमेल का अभाव है, इसको आप दिखवाने का काम करें। एक मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अब इन गर्मियों में भीषण दिक्कत आने वाली है वो पेयजल की दिक्कत है। ग्राम पंचायतें भी हताशा भरी निगाह से देखती है कि हमारे को स्वीकृति निकालने का आदेश नहीं है। पंचायत समिति भी ये कहती है कि अभी हम स्वीकृति नहीं निकाल सकते। मैं चाहूंगा कि जहां से भी अगर पानी की जो दिक्कत है वहां से प्रस्ताव तैयार करके जिला कलेक्टर को अधिकृत करें कि जहां जहां पानी की समस्या है वहां वहां जितनी छोटी छोटी स्वीकृति अगर निकल सकती है तो वो निकालने का काम करें। एक मेरे चौमो के अंदर भी पेयजल की समस्या बिसलपुर से अगर जुड़ जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। एक मुख्यमंत्री महोदय सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय के अंदर पानी की है, इसको हम नरेगा से जोड़ के जिस तरीके से शौचालय का एक अभियान चला था कि 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि हमने दी थी, अगर पौंड बनाने की 1,00,000 रुपए की राशि हम किसान को दें उसका पूरा परिवार उसी के अंदर श्रम लगाए तो रोजगार भी जनरेट होगा और मेरे ख्याल से पानी की जो गंभीर समस्या आने वाले समय में और दिखने वाली है इसको हम नरेगा से भी हम जोड़ के कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से काफी समाधान मिल सकता है। एक समाधान ये कि जो प्रवासी जो पैदल चल रहे हैं वास्तव में जो भी व्यक्ति इनको देखता है हर के मन में दुख और दर्द बताए, आप चाहे हमारे MLA लैंड का पैसे ले लें चाहे उपखंड के अंदर कोई वो सब सब परसों बस लगा दिया अपन ने और कैंप शुरू वापस कर दी कैंप। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार कहाँ से भी वो गुजरे उनको रोके सारे कैंप लगा दिए, तेरे जने लग गई है अब आराम हो गया। एक मुख्यमंत्री जी जो भर्तियां पेंडिंग पड़ी है चाहे वो RES की भर्ती हो चाहे आपके सांख्यिकी की भर्ती हो चाहे डॉक्टरों की भर्ती हो तो ये भर्तियों की प्रक्रिया भी एक बार धीरे धीरे चलना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा। एक अंतिम निवेदन मैं आपसे और करना चाहूंगा, जो किसानों के बिजली के बिलों के ऊपर आप पुनर्विचार जरूर करें, वास्तव में किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जो लागत उनकी लगी थी वो लागत भी नहीं मिल रही पा रही, मेरे ख्याल से उचित रहेगा किसानों की समस्या के ऊपर भी आप गंभीरता से बिल माफी। धन्यवाद आपका।